देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2014 में आम चुनाव में उनके पिता पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, उनकी झलक इस चुनाव में भी कायम है। स्वाभिमान समर्थकों में वही है जो आज भी नजर आता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे इस बार कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं तथा उनका इरादा इस स्वाभिमान की लड़ाई बनाने का नहीं है, फिर भी इस सब के पीछे जनता की ताकत है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार जब जैसलमेर आए मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि आज भाजपा पूरी तरह से बदल गई है और अब पहचान में ही नहीं आता है। मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि अच्छे दिन 2014 में आने वाले थे, अब 2019 में भी भय के आधार पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। लोगों को भयभीत करके उन्हें कहा जा रहा है कि अगर हम नहीं होते तो क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक तथा अलग अलग घोषणाओं के माध्यम से अच्छे दिन के बारे में बताया जा रहा है, इससे कितनी सच्चाई है ये सभी लोग जानते हैं। अच्छे दिन की बात नहीं है, अच्छे दिन नहीं आए हैं तो भय के आधार पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। हर दिन एक नया दिन है, हर चुनौती एक नई चुनौती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर अटल के हनुमान कहे जाने वाले जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने पर मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि जो कुछ घटनाएं हुआ है ये सभी बीती हुई बातें हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें भूली नहीं जा सकती हैं और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने इन बातों को भूल गया, परंतु हर दिन एक नया दिन है, हर चुनाव में नई चुनौती है, जो हर नई सोच चुनौती को हर दिन नई है दिशा में देखकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। माहौल तो आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, आप भी घूमते हैं मेरे जैसे, और जिस प्रकार जो वातावरण बना था कांग्रेस में एंट्री के बाद, वो वातावरण भी और आगे बढ़ा है, क्योंकि एंट्री के बाद जो सफलता मिली है बाड़मेर जैसलमेर जिलों में, कुछ कारणवश एक सीट आई नहीं, लेकिन ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ 100% रिजल्ट आ सकता था दोनों को मिलाकर, और दुर्भाग्यवश वो सीट नहीं आई। परंतु जो वातावरण उस समय बना था वो वातावरण अभी भी जारी है, और अगर यदि देखें तो उसमें और गति बनी है और लोगों में और ज़्यादा उत्साह है राज्य सरकार को लेकर,